नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम मनीषा भरानी है और मेरी चैनल में आपका स्वागत है। दाबेली हम सबकी बहुत ही फेवरेट रेसिपी है और आज मैं आपके साथ में दाबेली वड़ा की रेसिपी लेके आई हूँ। ये वड़ा बाहर से एकदम क्रिस्पी और करारा और अंदर से एकदम सॉफ्ट है। इसके अंदर हमने अनार और सींग डाले हैं जिसकी वजह से इसका टेस्ट और भी बढ़ जाता है। तो चलिए दाबेली वड़ा बनाना शुरू करते हैं। दाबेली बॉल्स बनाने के लिए पहले हम मिश्रण तैयार कर लेते हैं। मैंने एक प्लेट ले ली है और उसके अंदर मैं आलू ले लेती हूँ। आलू को मैंने बॉईल कर लिया है, ये आधा किलो आलू है। इसे मैं मैश कर लेती हूँ। इसके अंदर मैं 2 टेबलस्पून दाबेली का मसाला डाल देती हूँ। दाबेली का मसाला कैसे तैयार करना है वो रेसिपी मैं आपको पहले सिखा चुकी हूँ। ये वीडियो के अंत में मैं वो रेसिपी डाल दूंगी, आप वहाँ पे देख सकते हैं। मैं हमेशा इस प्रकार से पूरा डब्बा भर के दाबेली का मसाला रख देती हूँ और जब भी मुझे यूज़ करना होता है तब मैं उसका आसानी से उपयोग कर सकती हूँ। और अगर दोस्तों आपके पास दाबेली का मसाला ना हो तो मार्केट में भी ये दाबेली का मसाला बहुत ही आसानी से मिल जाता है। 1/4 कप मसाला सींग, दाबेली के अंदर सींग डाली जाती है जो मसाले वाली होती है, मैंने वही सींग ली है। दाबेली सींग के बगैर अधूरी होती है तो हमें इसे डालना बहुत ही ज़रूरी है। अगर आपके पास इस प्रकार की मसाले वाली मूंगफली ना हो तो हमारे घर में जो सादी मूंगफली होती है आप वो भी ले सकते हैं। अब मैं सारी सामग्री को मिक्स कर लेती हूँ और बाद में इसमें बाकी की सामग्री ऐड करेंगे। दोस्तों ये जो दाबेली का मसाला है वो बहुत ही फ्लेवरफुल होता है, इसलिए हमें इसमें कोई भी एक्स्ट्रा इंग्रेडिएंट ऐड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सारी सामग्री अच्छे से मिक्स हो चुकी है, अब मैं इसमें बाकी की सामग्री ऐड कर देती हूँ। स्वाद के अनुसार नमक, 1/2 कप बारीक कटा हुआ धनिया, 3 टेबलस्पून अनार के दाने। अनार दाबेली के अंदर बहुत ही बढ़िया टेस्ट देते हैं, आप इसे ज़रूर से ऐड कीजिएगा। अब मैं सारी सामग्री को हल्के हाथों से मिक्स कर लेती हूँ। हमारा दाबेली वड़ा के लिए मिश्रण तैयार हो चुका है, अब मैं इसमें से बॉल्स तैयार कर लेती हूँ। आप चाहें वो साइज के छोटे नहीं तो बड़े साइज के बॉल्स तैयार कर सकते हैं, मैं इस प्रकार से मीडियम साइज के तैयार कर रही हूँ। दोस्तों ये स्टफिंग बहुत ही टेस्टी और डिलीशियस होता है, मैं कई बार इस प्रकार का स्टफिंग बना के पराठे में भी स्टफ करती हूँ, वो भी बहुत ही बढ़िया लगते हैं। मैंने सारे बॉल्स तैयार कर लिए हैं, अब हम आगे की तैयारी करते हैं। मैंने एक बोल के अंदर 2 टेबलस्पून बेसन लिया है। बेसन के अंदर मैं पहले थोड़ा पानी डाल देती हूँ और इसे अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ। दोस्तों एक साथ में बहुत ज़्यादा पानी मत ऐड कीजिएगा, नहीं तो गुठलियाँ पड़ जाएंगी। जब सारी सामग्री अच्छे से मिक्स हो जाएगी उसके बाद हम बाकी का पानी ऐड करेंगे। अब मैं इसमें बाकी का पानी ऐड कर देती हूँ। हमारी बेसन की स्लरी तैयार हो चुकी है। मैंने एक प्लेट के अंदर जो भेल का सेव आता है वो ले लिया है। आप यहाँ पे मोटा नहीं तो पतला जो भी सेव आपके पास अवेलेबल है उसका उपयोग कर सकते हैं। अब हमने जो बॉल्स तैयार किए हैं उसे मैं बेसन की स्लरी में डिप कर लेती हूँ। अब बॉल्स को थोड़ी देर के लिए ऐसे ही पकड़ेंगे जिससे जो भी एक्स्ट्रा स्लरी होगी वो निकल जाएगी। अब मैं इसे सेव के अंदर डाल देती हूँ और इसे अच्छे से कोट कर लेंगे। ये देखिए दोस्तों ये बहुत ही अच्छे से कोट हो चुका है, अब मैं इसे वापस स्लरी के अंदर डिप कर देती हूँ और फिर से इसे सेव के अंदर कोट कर लेंगे। इस प्रकार से हमें 2 बार इसे कोटिंग करना है जिससे दाबेली का बाहर का लेयर बहुत ही क्रंची और करारा तैयार होगा। दोस्तों बिल्कुल इसी प्रकार से मैं सारे बॉल्स तैयार कर लेती हूँ।
मैंने सारे बॉल्स कोट कर लिए हैं, अब मैं इसे तल लेती हूँ। मैंने तेल को गर्म करने के लिए रख दिया था। मैं चेक कर लेती हूँ तेल गर्म हुआ है कि नहीं। हाँ दोस्तों, ये तेल गर्म हो चुका है। दोस्तों मैं इसे मीडियम आंच के ऊपर तलने वाली हूँ। अब जो दाबेले के बॉल्स तैयार किए हैं उसे मैं तल लेती हूँ। एक साथ में बहुत सारे दाबेले के वड़ा नहीं तलेंगे, हम थोड़ा थोड़ा दाबेले के वड़े तलेंगे, जिससे तेल का तापमान बैलेंस रहेगा और वड़े अच्छे से क्रिस्पी और करारे तैयार होंगे। ये देखे दोस्तों, हमारे वड़े बहुत ही अच्छे से तैयार हो चुके हैं। मैं आपको दिखाती हूँ, बिल्कुल यही स्टेज के ऊपर मैं इसे निकाल लेती हूँ। वैसे हमारे दाबेली वड़ा तैयार हो चुके हैं। अगर आपने इसे सर्व किया घर पे तो ये तुरंत ही खत्म हो जाएंगे, कि बहुत ही टेस्टी हैं। बिल्कुल इसी प्रकार से मैं सारे वड़े तैयार कर लेती हूँ। हमारे सारे वड़े तैयार हो चुके हैं, इसकी मैं प्लेटिंग कर लेती हूँ। मैं इसे हरी चटनी के साथ सर्व कर रही हूँ। अगर आप चाहें तो टमाटो केचप के साथ भी इसे सर्व कर सकते हैं। ये देखे दोस्तों, बहुत ही क्रिस्पी और करारे दाबेले के वड़े तैयार हो चुके हैं, जिसे देख के ही खाने की इच्छा हो जाए वैसे तैयार हुए हैं। हमने इसके ऊपर जो सेव का लेयर किया है वो बहुत ही क्रिस्पी और करारा तैयार हुआ है। दोस्तों ये वड़े का आउटर लेयर बहुत ही क्रिस्पी और करारा है और अंदर से ये सॉफ्ट है, और इसमें हमने जो अनार और सींग डाले हैं इसकी वजह से ये वड़े का टेस्ट बहुत ही बढ़ जाता है। ये देखे दोस्तों, बहुत ही क्रिस्पी और करारा हमारा नाश्ता तैयार हुआ है और अंदर से ये उतना ही सॉफ्ट है। दोस्तों अगर आपने इसे एक बार घर पे बना दिया तो सारे घर वाले आपकी तारीफ करते हुए नहीं थकेंगे, ये इतना टेस्टी बनता है। हमारे टेस्टी यम्मी डिलीशियस दाबेली वड़ा बनके तैयार हैं। आप इस रेसिपी को बनाइए और अपने अनुभव मेरे साथ जरूर शेयर करिए।